तो गाइज़ फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ आज ये दंगल है डूंगी में, यानी जो दंगल करवाता है उसका मैं आपको नाम। गाइज़ दूसरी जोड़ी जो चल चुकी है, आप देख सकते हैं दूसरी जोड़ी। गाइज देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने दूसरी जोड़ी। बहुत लोग आए यहाँ देखने के लिए, हमारे गांव की दो जोड़ी भी आई हैं, लेकिन वो अभी तक अव्वल नंबर पर चल रही है। सबसे फर्स्ट मौसम पर जो दो जोड़ी गई थी वो हमारे गांव की थी, वो 25। गाइस देख सकते हैं आप, अंकल जी बता सकते हैं बैलों की जोड़ी कहाँ से आई हुई है? ये ब्रो से आई हुई है। अच्छा तत्ता पानी से। गाइस आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने ये जोड़ी जो बैलों की आई हुई है, ये तत्ता पानी से आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। तो गाइस अब दूसरी जोड़ी जो तैयार है वो देखें। गाइस कैंटर भी आ रहे हैं, देख सकते हैं लोग आ रहे हैं। गाइस दूर दूर से देख रहे हैं लोग, अपनी स्पेशल गाड़ी करके आ रहे हैं, अभी देख सकते हैं। गाइस अब दूसरी जोड़ी स्टार्ट है, जो दूसरी जोड़ी जाएगी अभी वो बोलेंगे कि दूसरी जोड़ी कौन सी जाएगी, देख सकते हैं थोड़ा। गाइस आप यहाँ से आप देख ही सकते हैं व्यू, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत दूर दूर से बैल आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। गाइस आप ये बैल कहाँ से आए हैं? कहाँ से? पीढ़ी से। गाइस ये आप देख सकते हैं दो बैलों की जो ये जोड़ी हैं, आप देख सकते हैं ये पीढ़ी से आए हैं, आप देख सकते हैं। गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम लोग पीपो फर्स भी अच्छे होंगे। हाँ कि दोस्त मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह की करम फजात का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ। तो गाइज़ आज हम जा रहे हैं डूंगी, वहाँ आक्स दंगल है। तो आक्स दंगल में हम जा रहे हैं तीन चार बंदे, मेरे कज़न है साथ में। तो दोस्तों आक्स दंगल में मतलब हर जगह जगह से बैल आते हैं, पूंछ रजौरी नौशहरा से दूर दूर से दोस्तों बैल आते हैं। तो दोस्तों आज हम यही व्लॉग करेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं जहाँ दंगल है वहाँ जा रहे हैं, तो दोस्तों मिलते हैं वहीं जाकर। तो गाइज़ फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ आज ये दंगल है डूंगी में, यानी जो दंगल करवाता है उसका मैं आपको नाम बताऊँ, DDC खालिक चौधरी नाम है, और उनके दूसरे भाई BDC रियाज चौधरी। दोस्तों वो हर साल पे यहाँ दंगल करवाते हैं। थोड़ा मैं इधर आगे पीछे का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, मतलब ये आप लोग आ रहे हैं अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा गाइस गाड़ियों का व्यू देखें आप, ये गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई, आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि नौशहरा रजौरी दूर दूर से लोग, भिराल से लोग आते हैं, आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अभी मैं आपको यहाँ से थोड़ा व्यू दिखाऊँ, आप देख सकते हैं दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं, ये है वो मतलब पट्टी जहाँ पर दंगल करवाते हैं, यहाँ आक्स मतलब बैल की जो रेस लगती है आक्स दंगल। तो दोस्तों आप थोड़ी देख सकते हैं मेरे कैमरे, मतलब लोगों की भीड़ आप देख ही सकते हैं अपनी आंखों के सामने। हम पीछे आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कैमरे में लोग मतलब आ रहे हैं, देख सकते हैं गाड़ियां लगी हुई अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हर साल मतलब मनाया जाता है ये दंगल डूंगी में, जो इसका जो भी मतलब होता है सिस्टम वगैरह वही DDC और BDC खालिद चौधरी और रियाज चौधरी करवाते हैं, मतलब उन्हीं की मतलब क़यादत में होता है, वही मतलब पूरा खर्चा वगैरह वही उठाते हैं, आप देख सकते हैं गाइस अपनी आंखों के सामने। तो फिलहाल जुड़े, तो गाइस अभी मैं आपको यहाँ से थोड़ा व्यू दिखाऊँ, आप देख सकते हैं दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं, ये है वो मतलब पट्टी जहाँ पर दंगल करवाते हैं, यहाँ आक्स मतलब बैल की जो रेस लगती है आक्स दंगल। तो दोस्तों आप थोड़ी देख सकते हैं मेरे कैमरे, मतलब लोगों की भीड़ आप देख ही सकते हैं अपनी आंखों के सामने। हम पीछे आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कैमरे में लोग मतलब आ रहे हैं, देख सकते हैं गाड़ियां लगी हुई अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हर साल मतलब मनाया जाता है ये दंगल डूंगी में, जो इसका जो भी मतलब होता है सिस्टम वगैरह वही DDC और BDC खालिद चौधरी और रियाज चौधरी करवाते हैं, मतलब उन्हीं की मतलब क़यादत में होता है, वही मतलब पूरा खर्चा वगैरह वही उठाते हैं, आप देख सकते हैं गाइस अपनी आंखों के सामने। तो फिलहाल जुड़े रहिए वकार ब्लॉग्स के साथ दोस्तों, आप जैसे कि सब जानते हैं गाइस बहुत दिनों के साथ ब्लॉग कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं। थोड़ा गाइस आप यहाँ से आप देख ही सकते हैं व्यू, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत दूर दूर से बैल आते हैं यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं गाइस। आप गाइस ये है भाई ये इलाका है डूंगी का, देख सकते हैं दोस्तों ये मेन हाईवे में कल्लर से ऊपर सड़क आती है, ये ऊपर कम से कम 15 किलोमीटर ऊपर, कल्लर से ऊपर 15 किलोमीटर हाईवे से ऊपर जहाँ पे ये आज हो रहा है, आप देख ही सकते हैं अपनी आंखों के सामने। तो गाइस हम फिलहाल अब हम पार जाएंगे आपको हम पूरा व्यू दिखाते हैं, तो हम चलते हैं नीचे। तो गाइस अब यहाँ से हम थोड़ा व्यू दिखाते हैं आपको, ब्रिज का व्यू आपको दिखता होगा, ब्रिज के ऊपर देखो लोग कैसे लटके हों, आप भी देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, आप देख सकते हैं गाइस।
थोड़ा गाइस हम आगे से आपको व्यू दिखाएंगे दोस्तों। देखो गाड़ियाँ, मतलब जो दूर से आए हुए लोग देखने के लिए गाड़ियाँ लगाई हैं, आप देख ही सकते हैं। थोड़ा गाइस हम अपना कैमरा आगे ले जाते हैं और पास से हम दिखाते हैं आपको व्यू। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में लोगों की कैसी भीड़ लगी हुई है। हाँ, मतलब जो ये आगे इन्होंने जो डंगा बांधा हुआ इसके ऊपर से लोग चढ़ के देख रहे हैं। मतलब सेफ्टी का भी देखना चाहिए गाइस जो इधर खड़े हुए हैं। कभी ना कभी तो जो बैल हैं वो इधर से नीचे छलांग लगा सकते हैं और लग भी सकती है। हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा व्यू पास से दिखाने की। व्यू फिलहाल हम चलते हैं आगे, हम आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से बताएं, ये जो मतलब पट्टी ये भरते हैं जनरेटर की वजह से, यहाँ से पाइप लगा के जनरेटर की वजह से इसको पूरा भरते हैं। थोड़ा गाइस हम ऊपर चलेंगे, ऊपर से हम लोगों का व्यू दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं गाइस अपनी आंखों के सामने लोगों का व्यू। तो गाइस आपको यहाँ से हम व्यू दिखाएं, देख सकते हैं गाइस ऊपर बंदे कहाँ पे चढ़े हैं। आप देख गाइस यहाँ से आपको व्यू दिखाएं, तो कहाँ से चढ़कर देख रहे हैं आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। देख सकते हैं गाइस यहाँ से दोस्तों, देख सकते हैं बैल लेके बीच गए हुए बंदे, आप भी देख सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। दोस्तों यहाँ से जो बैलों को बीच में मतलब इसके बीच डाल जाते हैं, ये जो पट्टी है दोस्तों लगभग होगी 700-800 मीटर, आई होप के 700-800 मीटर होगी। तो गाइस देख सकते हैं हम थोड़ा पास से आगे थोड़ा दिखाते हैं बैलों का व्यू। गाइस आप देख सकते हैं दो बैलों की जोड़ी है। भाई ये कहाँ से आई हैं, ये बैल कहाँ से आए हैं, कहाँ से? पीढ़ी से। गाइस ये आप देख सकते हैं दो बैलों की जो ये जोड़ी हैं, आप देख सकते हैं ये पीढ़ी से आए। आप देख सकते हैं गाइस बैलों की सजावट आप देख ही सकते हैं, मतलब आप अपनी आंखों के सामने आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, तो गाइस अब हम आगे जाएं उनसे पूछते हैं कि बैल कहाँ से आए हैं। अंकल जी ये बता सकते हैं बैल कहाँ से आए हुए हैं? पीढ़ी से। अच्छा यही पीढ़ी से आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस बैलों की सजावट देख ही सकते। तो गाइस चले अब आगे चलते हैं, हम आगे पूछते हैं बैल कहाँ से आए हुए हैं। गाइस देख सकते हैं आप ये वाइट जोड़ी बैलों की, इसका पूछते हैं हम ये कहाँ से आई हुई है। थोड़ा हम पास जाते हैं, पास से बताते हैं। अंकल जी बता सकते हैं बैलों की जोड़ी कहाँ से आई हुई है? ये ब्रो से आई हुई है। अच्छा तत्ता पानी से। गाइस आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने ये जोड़ी जो बैलों की आई हुई है ये तत्ता पानी से, आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। और बैलों की सजावट देखो गाइस, देख सकते हैं गाइस अपनी आंखों के सामने। तो गाइस हम आगे चलते हैं, आगे से हम बताते हैं आपको। देख सकते हैं गाइस कितने बंदे बीच में, देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने कितनी जोड़ियाँ जो बैलों की हैं वो बीच में डाली हुई, आप देख सकते हैं। थोड़ा गाइस हम आगे पीछे आपको व्यू दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों लोग दूर दूर से बैठ रहे हैं। गाइस देख सकते हैं गाइस अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जो है बैल छोड़े जाते हैं तो एंडिंग पॉइंट दोस्तों आपको मिलता होगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये इसका एंडिंग पॉइंट जहाँ तक मतलब जो बैल पहुँच सकता है उसके लिए कुछ टाइम रखा होता है कितने सेकंड में पहुँच सकता है वो। तो गाइस देख सकते हैं गाइस हमारे व्लॉगर भी आए हुए हैं, दूसरे व्लॉगर, इनका फ़ोन आए बंद किया हुआ इन्होंने, आप देख सकते हैं। गाइस देख सकते हैं लोग आगे पीछे, आप देख सकते हैं आपके सामने। गाइस ये जो जगह मैं आप दिखा रहा हूँ दोस्तों यही है वो पट्टी जहाँ से बैल मतलब यहाँ से बैल दौड़ाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। अभी देखो कितने बंदे बीच में हैं, मतलब बैल लेके अपने बैल लेकर देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ से हम दिखाएं आपको भीड़ जहाँ ये ऑपरेट कर रहा है जो माइक वाला है वो यहाँ पे आपको मिलता होगा। जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से ये ऑपरेट कर रहा है मतलब यहाँ से वो माइक में बोल रहा है तो आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है, देख सकते हैं आप। गाइस अभी भी एक जोड़ी की है वो 45 सेकंड में वहाँ पहुँची है, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ पे 45 सेकंड में पहुँची है। तो गाइस अब पता चलेगा लास्ट में आज वो इनाम कौन ले जाता है, मतलब कौन फर्स्ट आता है और कौन कितनी जल्दी, मतलब जोड़ियाँ तो कहीं पहुँच जाती हैं वहाँ पे, लेकिन दोस्तों मेन चीज़ होती है कितने सेकंड। तो गाइस अब दूसरी जोड़ी जो तैयार है वो देखें गाइस, कैंटर भी आ रहे हैं, देख सकते हैं लोग आ रहे हैं गाइस दूर दूर से देख रहे हैं, लोग अपनी स्पेशल गाड़ी करके आ रहे हैं, अब देख सकते हैं गाइस। अब दूसरी जोड़ी स्टार्ट है, जो दूसरी जोड़ी जाएगी अभी वो बोलेंगे कि दूसरी जोड़ी कौन सी जाएगी, तो आप देखते रहे हमारे कैमरे में कि क्या हिसाब है क्या रहेगा। देख सकते हैं गाइस अब दूसरी जोड़ी अब जाएगी। तो गाइस अभी जो जोड़ी 45 सेकंड में पहुंची है वो वापस आ चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इधर से विसल बज रही है दूसरी जोड़ी को छोड़ने की, अभी देख ही सकते हैं अपनी आंखों के सामने। गाइस दूसरी जोड़ी जो चल चुकी है आप देख सकते हैं, दूसरी जोड़ी गाइस देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, दूसरी जोड़ी देख सकते हैं आप।
गाइस देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने दूसरी जोड़ी जो इधर से छोड़ चुके हैं विसल अभी मारी है, देख सकते हैं गाइस आप। गाइस फाइनली जो जोड़ी वहां पहुंच चुकी है अभी वो विसल मारेंगे, जो ये जोड़ी कितने सेकंड में पहुंची है अभी बताएंगे। तो ब्रो जो थर्ड जोड़ी है वो आप जा रही है, आप देख सकते हैं मोहम्मद फरीद आरो ब्रो नाम लिया अभी वो जा रही है, अब स्टार्ट अभी विसल बजेगी तो यहाँ से जो जोड़ी छोड़ी जाएगी। गाइस आप देख सकते हैं ये जोड़ी जो थर्ड नंबर की जोड़ी अभी वापस आई है, फोर्थ नंबर की जोड़ी जाएगी मोहम्मद फरीद आरो ब्रो की। तो गाइस ये वापस आ चुके देख सकते हैं गाइस, इसका सेकंड अभी बताया नहीं, पता नहीं कितने सेकंड। गाइस फोर्थ नंबर की जोड़ी आउट हो चुकी है, ग्राउंड से बाहर हो चुकी है वो, क्योंकि वो साइड से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, वो साइड से बाहर हो चुकी है आप देख सकते हैं। गाइस गई है फोर्थ नंबर की जोड़ी, गाइस जा रही है देख सकते हैं गाइस आप। गाइस देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस ये फोर्थ नंबर की जोड़ी जा रही है आप देख सकते हैं। गाइस जो अब फिफ्थ नंबर की जोड़ी जाएगी वो कृष्ण सिंह आरो दलोड़ी की, ये जो जोड़ी जाएगी आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने कृष्ण सिंह आरो दलोड़ी। गाइस कृष्ण चंद्र आरो दलोड़ी ये जोड़ी जा रही है आप देख सकते हैं गाइस अपनी आंखों के सामने। गाइस देख सकते हैं आप आउट हो गई गाइस वो आउट। गाइस फजल हुसैन की जोड़ी जा रही है आप देख सकते हैं गाइस वो बाहर निकल गया। गाइस आउट हो चुके हो गाइस, ये जोड़ी जो आउट हो चुकी है फजल हुसैन की ये आउट हो चुकी है। गाइस अब ये जोड़ी जा रही है आप देख सकते हैं। गाइस ये जोड़ी भी जो आउट हो चुकी है, आउट नहीं हो सॉरी आउट नहीं, अभी गाइस जा रही है जोड़ी है गाइस, नहीं जा पाई जोड़ी, गाइस जोड़ी नहीं जा पाई। देखते हैं ढोल बज रहे हैं आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ आती होगी आप देख सकते हैं, मैं आपको दूर दूर से लोग आए हूँ। हम इनसे अंकल जी आप कहाँ से आए हो बता सकते हैं थोड़ा अपना? मैं आया हूँ जी, और मेरा गाँव है सोनो। अच्छा आप पहले बहुत लोग आए यहाँ देखने के लिए, हमारे गांव की दो जोड़ी भी आई हैं लेकिन वो अभी तक अव्वल नंबर पर चल रही है, सबसे फर्स्ट नंबर पर वो दो जोड़ी गई थी वो हमारे गांव की थी, वो 25 घंटे में यहाँ वहाँ पहुँच गई 25 घंटे। जी आप पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए हो यहाँ पे? पहली बार आए। अच्छा पहली बार। तो गाइस ये कालाकोट से आए हैं, इनकी दो जोड़ियां थी जिनके साथ मतलब ये आए थे, जिनको देखने के लिए आए थे, तो वो अव्वल नंबर पे अभी चल रही हैं, मतलब दो ही वो जोड़ी जो निकली हैं अभी, तो और जोड़ियां कुछ आउट हो चुकी हैं, कोई बाहर आ रही है कुछ चली नहीं। साबर और शाद आलम की दो जोड़ियां थी, दोनों फर्स्ट नंबर पे आई हैं। अच्छा फर्स्ट नंबर पे आई, माशाल्लाह। तो गाइस देखते हैं आज, देखते हैं कि किसकी किस्मत चलती है आज पे और कौन जीता और कौन फर्स्ट नंबर पे आता है, मेन चीज़ थे टाइम की आप देखते हैं कौन कितने कम समय लेता है और कितने कम समय में जो जोड़ी वहाँ पार पहुँचती है। तो गाइस हम आपको पूरा दिखाते रहेंगे, गाइस देख सकते हैं आप, गाइस देख सकते हैं आप। गाइस अभी एक जोड़ी और आई है आप देख सकते हैं, गाइस एक जोड़ी और आई है देख सकते हैं गाइस आप, गाइस देख सकते हैं आप एक जोड़ी और आ जा रही है आप देख सकते हैं गाइस, गाइस आउट हो चुकी है वो। गाइस देख सकते हैं आप, तो गाइस अभी बहनों की जो रेस वो हो ही रही है, काम स्टार्ट है, कुछ लोग आ रहे हैं अभी, मुझे लगता है 20-30 जोड़ियां जो हैं अभी जा चुकी हैं और कुछ ही जो हैं उनमें से जो मतलब टॉप पे पहुंची हैं पार। तो दोस्तों अब जो पत्थर उठाने में मतलब बुद्धर जिसको बोलते हैं बुद्धर चिकाने उठा रहे हैं उधर पार, तो हम वो व्यू दिखाएंगे दोस्तों, हम उधर ही जा रहे हैं जहाँ बुद्धर उठा रहे हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का व्यू दिखाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं लोग अपनी आँखों के। थोड़ा
फाइनली गाइस जो बैल वाली गाड़ी है वो अपने अपने घर जा रहे हैं, तो देख सकते हैं गाइस आप टाटा मोबाइल निकल रहे हैं गाड़ी वगैरह जो भी दोस्तों मैक्सिमम लोग चले गए हैं देख सकते हैं आप। साई धारे